I gotta get some overtime. हेलो गाइज, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं जीटे वाई सिटी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वाले एपिसोड में कर्नल ने एक लड़की को मारने के लिए कहा था, क्योंकि वो लड़की एक सीक्रेट एजेंट थी। तो इसलिए कर्नल ने टॉमी को कहा था, भाई उसका डेथ एकदम नेचुरल होना चाहिए, कि कार एक्सीडेंट जैसा दिखने चाहिए, तो संभल के करना। तो चलते हैं भाई कर्नल के पास। कपड़ा बहुत गंदा हो चुका है गाइस, चलो चेंज करते हैं। तो ओके गाइस, मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है, तो चलो फटाफट कर्नल के पास चलते हैं। तो भाई अभी वाई सिटी में एक घर भी लेना है मुझे, तो चलो चलते हैं फटाफट कर्नल के पास चलते हैं। इस वाई सिटी में विंटेज कार बहुत होता है, कहीं तो विंटेज कार दिख जाती है। सिटी में कार चलाना बहुत मुश्किल होता है, कहीं से भी बंदे आ सकते हैं। वो बंदा एनी टाइम सीट में ही रहता है भाई, पता नहीं बोर होता है या नहीं। कभी सिटी में आया हुआ, बाहर आया हुआ देखा ही नहीं मैंने। तो ओके गाइज, मेरे यहाँ कर्नल से बात हो चुकी है। और भाई कर्नल ये कह रहा है कि कर्नल ने एक ड्रग डीलिंग का मीटिंग फिक्स किया है। उस मीटिंग में कर्नल नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। एक वाइस बड़ा गैंगस्टर, उसका नाम है डायज, वो जा रहा है। तो हमें उसको प्रोटेक्शन देना है। पता नहीं भाई कौन कौन मीटिंग डिलीवर के आता है। तो चलो, और कर्नल ने हमें वेपन्स का भी इंतजाम किया है, तो फटाफट वेपन्स चल लेते हैं और चलते हैं आगे से। नहीं चलिए मुझे हो गए, मैंने गलत रास्ता आ गया, पीछे ही था वो। हाँ सर, राइट कर मुझे वो गलत आराम से, इसका डोर भी बंद हो गया सर। मैंने लैंड प्लांट को भी आने के लिए बोल दिया, चलते हैं। तो अभी वो भी आ रहा है रास्ते पे। ओके, हो रहा हमारा वेपन कर्नल ने इंतजाम किया। तो ओके गाइस, लैंस ने भी आ चुका है, तो चलो बात कर लेते हैं। तो ओके गाइस, चलो लैंस का ही कार लेकर चलते हैं। आ जा भाई, गाड़ी में बैठ, चलो। ओ भाई सॉरी, आ जा भाई, आ जा, गलती से ले लिया, गाड़ी में बैठ, चलो चलते हैं। वही इधर आराम से निकलना पड़ेगा, ये आराम से। तो चलते हैं। तो क्या इस चलते हैं फटाफट उस मीटिंग के पास में, और हमें सब मी और लैंड पोजिशन लेके बैठेंगे। आगे वाले कट से राइट लेना है, तो फिर से लगता है एक बंदा है। तो गाड़ी साइड में कर देते हैं। तो ठीक है, आ जाओ भाई, लाइन से जा, तो फिर चलते हैं। तो ओके गाइस, डैश भी आ चुका है, यही बनता है। कर्नल ले कह रहा है कि वो बंदा बहुत गुस्से का है, तो चलो बात कर लेते हैं। तो ओके गाइस, मैंने लैंस को बोल दिया है, तुम उस बालकनी पे जाके बैठ जा, मैं इस बालकनी के बैठता हूँ। तो ओके गाइस, हम सभी पोजीशन ले चुके हैं, और मीटिंग करने वाला बंदा आ चुका है कार लेके। ओह भाई, वो कार देखो भाई। तो हमें डाइज का और लैंस का हेल्थ दोनों भी ध्यान में रख करके फाइट लेना है भाई।
इधर तो कोई नहीं आ रहा। वो भाई ये कार आ गई, कार ये वही बन रहा। मारा मारा वो भाई, डाउन कर दिया दोनों को, डाउन कर दिया। एक और कार गई वो भाई, एकदम परफेक्ट है हेल्थ तो। क्या और कोई आ रही है वो भाई, एक और कार गए जी भाई। वो भाई लैंड से मार रहा है वहाँ पे, वो भी डाउन कर दिया। इसको मिनी है, मिनी गन से मारते हैं। चलो भाई कार ही ब्लास्ट कर देंगे। आ जा भाई कार कोई तो और ही ना, और कोई नहीं, सेफ है सब। एक और कार में आ जा बेटा, आ जा। वो भाई ये कौन है? ओ भाई ये ड्रिफ्ट बाइक, ओ ये तो मनी मनी के स्कूटी है, सूटकेस लेके निकल गया। ओ भाई ये एक बंदा लैंड से डाउन कर गया। चलो गाइस बाइक चेस करके वो वापस लेके आते हैं सूटकेस, मनी का सूटकेस। फुल पैसा भरा होता है उसमें। वो बंदा भी डाउन हो चुका है फाइनली, सूटकेस हमारे हाथ लग चुका है। तो चलो गाइस सूटकेस फटाफट डाइस को वापस लौटाते हैं। तो चलो उसके पास चलते हैं। तो क्या है कि बाइक चला था उस लोकेशन पे आ चुका हूँ। एक एयर डे, देखो गाइस डाइस कार में बैठ बैठ चुका है। ओके गाइस डाइस चल चुका है। ये लैंड कहाँ चला गया भाई? टॉमी उसे ढूंढ रहा है बेचारा। तो गाइस मिशन पास हो चुकी है और गाइस ये कार चलाने की मन कर रहा है। चल कोई नहीं चलाते हैं। वो भाई इसका साइलेंस से आ रहा है भाई, कैसा दिखा। चलो गाइस तो मैं आगे दिखा दिखा चाहता हूँ, इधर एंगल नहीं मिल रहा है। अरे का सेटिंग भी ना। गाइस ये देखो गाइस साइलेंसर से आके से निकल के सिर्फ दो लोगों को बैठने का सीट दे रहा है इसमें। और आप देखो भाई कैसा चलता है, ऐसा कम रियल जिंदगी में। हमको भाई एक सेकेंड में स्क्रीन रुको, इतना कि गाड़ी में सारे दीवार में बाहर आ गया बंदा डियर। तो चलो भाई चलते हैं। तो ओके गाइस अभी फोन में गाइस के साथ बात चुट चुकी है। ओके भाई तुझे मिलना है, आ जाए। तूने हमको बहुत हेल्प किया है, तो पता नहीं क्या काम है। चलो चलते हैं उसके पास, थोड़ा ही गाड़ी में दौड़ाने लगी। बेचारा बाइकर गिर पुलिस को क्या करेंगे। तो गाड़ियाँ इस साइड में पार्क होती है। चलो डाइस को मिलते हैं। तो ओके गाइस चलो ओ भाई क्या गुस्से वाला बंदा है भाई ये तो। ओ भाई ये तो पागल इंसान है, खुद ही बुलाने के आला है, खुद ही पूछ रहा है कौन है भाई तू बंदा। हार्स की रेस में ही बहुत पागल हो चुका है। तो भाई ये कह रहे कि तुम हमारे लिए काम करोगे क्या? तो टॉमी ने बोल दिया भाई हम तुम्हारे लिए नहीं पैसों के लिए काम करते हैं।
तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो चलते हैं। और भाई ये कह रहा है कि हमें एक इसने जो पैसा चुराया है दो बाइकर से, तो ये पता लगना चाहता है वो कौन है। तो चलो हम उसको पता लगाते हैं। और वो कह रहा है कि तो वाशिंगटन में एक घर है, तो वो बंदा उधर रहता है, तो हमें कुछ नहीं करना, उसको पीछे जाकर उसको घर पता लगाना है। तो पता नहीं भाई घर पता लग कर क्या करेगा, चलो चलते हैं। और भाई इसका बोनट देखो कितना बड़ा है, चलो गाड़ी चलते दुकान बंदे आगे टूट जाते हैं, पुलिस में रास्ता बात कर देता है, क्या होने वाला इसके लिए से गाड़ी से पार्क कर देते हैं आराम से आराम। तो ओके समय विंडो में देख रहे हैं कोई है तो यहाँ तो कोई नहीं भाई घर में, तो वो देखो खड़ा रहा है, फटाफट चलते हैं। चलो गाइस उसको पीछा करते हैं। चाहे तो हम लोग उसको मार सकते हैं, लेकिन मार ऐसा नहीं करना है हमको, हमें सिर्फ उसके पीछे जाकर पता लगाना है कि उसका घर कहाँ है। बेटा कुछ भी कर लो, मैं तेरे पीछे नहीं करूँगा। ये तो कार का भी इंतजाम कर चुका है। चलो गाइस हमें भी एक कार लेना है, ये स्कूटर नहीं चला रहा है। आगे निकल चुके हैं, बेटा तकलीफ कर दो, मैं कुछ पीछे नहीं छोड़ूंगा। सभी भिंडी डर के भाग चुके हैं, ढंग से चल नहीं पा रहा हूँ जा रहे हैं, तो रास्ता ब्लॉक है, डरता नहीं कर रहे, यहीं कहीं जाना चाहिए इसका घर भाई। तो गाइस ये है इसका घर, तो हमें सिर्फ घर पकड़ने के लिए था, घर हमें पकड़ सकते चलो वापस ले, ये गली अभी हो सकते हैं वापस डेस्क के पास जाना है और बोला है तो भाई हमें उसका घर का पता लग चुका है और आगे क्या करना है बोल रहे हैं। तो भाई गाड़ी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो कोई एक्सक्यूज मी, थैंक यू फॉर व्हीकल ब्रो। तो चलो चल और तो गाइस वापस डेस्क के पास चलते हैं, बोलते हैं तो भाई
उसका उसका घर का पता लग चुका है, तो आगे क्या करना है मुझे बोलना बोल, तो फटाफट चलते हैं उसके पास। बंदा भी ना क्या चलाते हैं भाई गाड़ी, ये कहीं से भी बीच में आ जाते हैं। चलो चलते हैं फटाफट भाई उसके साथ। ये रैंस कहाँ चला गया भाई? नहीं वो उधर ही रह गया, ये डी एक ही कुछ नहीं होते। आगे चलो और से लाइट, चलो भाई चलते हैं इधर से राइट लेना है। तो अब नहीं रुकने वाला था, अब सीधा भगाता हूँ गाड़ी। तो ओके गाइस, फाइनली हम रेस के घर के करीब हैं, तो यहाँ से राइट लेते हैं और चलो गाइस चलो चलते हैं भाई। रॉन्ग वे पे आ रहा हूँ मैं भी, तो यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो फाइनली हम बाइक के घर के आ चुके हैं। सॉरी बहुत पागल जैसा। ओके घर के अंदर लेके जाऊँ क्या गाड़ी? ओ भाई क्या गुस्से में है भाई, सब बिग टाइम गुस्से में रहता है भाई ये तो बंदा। ओ टॉमी, सिर्फ टॉमी के साथ ही शांत से बात करता है तो, वो भी नहीं भाई, हंसी आ जाती है भाई इसको देखकर मुझे। तो भाई डैज ने ये कह रहा है कि तुम अच्छा चलो भाई तुम तो बहुत अच्छा काम निकले, तो तुम इस रात यहीं रहना चाहिए, तो कल तुम और लैंड जाकर उस घर घर को फुल भाई क्या हेलीकॉप्टर मदद से जाकर उसको मार देना चाहिए। तो हम इधर रुकते हैं। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।